English school. Today I am going to teach you general science. Okay, general science in standard 7. Okay, ये है आपका 7th standard का book. Okay, last class में भी आपने general science का study किया है, right? Means आपको basic पता है कि general science क्या है. Okay, उसके आगे की जो concept है वो हम स्टैंडर्ड 7 में सीखने वाले हैं. ओके, तो ये हुआ आपका टेक्स्ट बुक, आपके पास भी है. तो चलो आज शुरू करते हैं हम आपका फर्स्ट लेसन. चलो देखते हैं कौन सा है फर्स्ट लेसन. उसके पहले यहाँ देखो आपका कंटेंट. ओके, यहाँ आपको कितने लेसन दिए हैं? 20 लेसन. ओके, मीन्स पूरे साल में हमको 20 लेसन सीखने हैं. ओके, तो आज से शुरू करते हैं आपका जो पहला लेसन है, लेसन नंबर 1 इज व्हाट सी. लेसन नंबर 1 द लिविंग वर्ड्स. ओके, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, लिविंग वर्ड्स मीन्स सजीव सृष्टि, उसे कहा जाता है सजीव सृष्टि. और लिविंग मीन्स सजीव, जिसमें जान होती है उसे कहा जाता है लिविंग. ओके, देन अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन. ओके, एंड क्लासिफिकेशन मीन्स उसका वर्गीकरण, अलग अलग में डिवाइड करना, उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन. ओके, द लिविंग वर्ड, अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, अभी शुरू करते हैं. सो सी लेटेस्ट रिकॉल. ओके, कुछ आपने लास्ट क्लास में भी सीखा है तो उसे हम याद करते हैं. ओके, लेटेस्ट रिकॉल. इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इज लिविंग थिंग्स इन. जो हमने डाइवर्सिटी है इन लिविंग, ओके, डिफरेंट वेज, हमने जो अलग अलग वेज है, इज द डाइवर्सिटी इज लिविंग थिंग्स इन, हमने देखी है. तो हमने देखी है, राइट ना. तो सी हियर, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ मीन्स पृथ्वी. जो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स है, अलग अलग प्लांट्स हैं, वो हमें अर्थ पर दिखाई देते हैं. जो पृथ्वी है उस पर डिफरेंट ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें मिलते, फाउंड में मिलना. ओके, सम प्लांट हैव कलरफुल फ्लावर्स. उसमें से कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कलरफुल फ्लावर है, उन्हें कलरफुल फ्लावर्स आते. सम प्लांट ग्रो इन वाटर. ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पानी में बढ़ते हैं. वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट. ओके, और सम ऐसे भी, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो हमें कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट. डेजर्ट यानी कि वायवंट. वायवंट यानी कि जहाँ पानी नहीं रहता, सिर्फ रेती रहती है ना. जहाँ हमने सुना है कि वायवंट में, जो वायवंट है उसमें ऊंट रहता है. ओके, तो डेजर्ट मीन्स यानी कि वायवंट. ओके, विच हैव अ scarcity of water. Okay, which have a scarcity means कमतरता, जहाँ पानी की कमतरता रहती है वह. Okay, some plants are found only, कुछ ऐसे plant हैं जो कहाँ मिलते हैं? In snowy region means बर्फाय प्रदेशों से कहा जाता है. Means यानी कि जहाँ बर्फ गिरने की जगह है ना, जहाँ बर्फ मिलता है बहुत सारा, तो स्नोवी रीजन, उसे क्या कहा जाता है? स्नोवी रीजन. सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. ओके, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हमें क्या नहीं, हमारी जो आँख से नहीं देख सकते. ओके, तो उसके लिए हमें ये माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. cannot be seen without, ये जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज
करके ही हमें वो प्लांट दिखाई देते हैं। Whereas some are hull, okay, in size, okay, hull यानी कि बहुत ज़्यादा size होती है उसके, like plants, animals to show diversity, okay, जब plants है animal वो हमें क्या करते हैं diversity दिखाते हैं, okay, some are unicellular. यानी कि या जो है ना हमें जो मागे मीन्स कम की साइज वैसे है और यहाँ क्या बता है विदाउट अ माइक्रोस्कोप ऐसे है ओके द एनिमल टू शो डाइवर्सिटी सम आर यूनिसेल्यूलर मीन्स एक पेशीय ओके अदर मल्टी सेल्यूलर और अदर्स आर मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर यानी कि अनेक पेशीय सम आर वर्टिब्रेट्स अतः यहाँ वर्टिब्रेट्स यानी कि क्या होता है जिन्हें बैकबोन्स होते हैं ना तो उन्हें क्या कहा जाता है बैकबोन जिन्हें होते हैं उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाता है वर्टिब्रेट्स ओके वेयर एज अदर आर इनवर्टिब्रेट्स जिन्हें बैकबोन नहीं होता वो है इनवर्टिब्रेट्स ये समझ में आ गया इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स इन्हें उभयचर प्राणी भी कहा जाता है मराठी में ओके दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ द वैरायटी ऑफ द एनिमल्स ओके यहाँ क्या बताया आपको एक्वेटिक एक्वेटिक यानी कि जलचर ओके जो पानी में रहते हैं ना उन्हें एक्वेटिक कहा जाता है टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पर रहते हैं ना भूचर उन्हें भूचर कहा जाता है एम्फीबियन एम्फीबियन यानी कि जो इन दोनों पर भी रहते जल में भी रहते जमीन पर भी रहते ओके उन्हें क्या कहा जाता है एम्फीबियन एम्फीबियन रेप्टिलियन रेप्टिलियन मीन्स यानी कि सर्पट है ना वो मीन्स लाइक एज अ स्नैक जो सरक सरक के चलते हैं उन्हें कहा जाता है एरियल एरियल मीन्स यानी कि हवा यानी कि हवा ओके देन एक्सेट्रा दीज ऑब्जर्वेशंस गिव द राइज टू द आंसर हाउ डिड द ग्रेट वैरायटी कम्स इनटू बीइंग ओके ये हमें क्वेश्चन मिलता है कि हाउ डिड दिस ग्रेट वैरायटी कम दिस बिगिन ओके सो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैन यू टेल आप बता सकते हैं आर द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइम अभी हम कश्मीर और राजस्थान में जो डाइवर्सिटी है वो देखते हैं ओके वहाँ के जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो हमें सेम दिखाई देते हैं क्या कैन यू इलाबरेट यानी विस्तृत ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन द टू कैन यू आप बता सकते हैं कि कौन से भी दोनों में से एक का जो टू डिफरेंसेस बिटवीन ओके तो देखो यहाँ कॉनिफेरस यानी जो शंकु रहता है ना ऐसा उसके आकार के ट्रीज कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार ये क्या है जो ट्रीज है ना उनके नाम है ओके फ्लोरिश इन स्नो रीजन फ्लोरिश इन द स्नो रीजन स्नो यानी कि ये बर्फ जो जहाँ गिरता है वहाँ रहते ओके लाइक कश्मीर कश्मीर में बर्फ हमने बहुत अक्सर सुना है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ बर्फ गिरता है तो ऐसे ट्रीज वहाँ मिलते हैं कौन कौन से कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार ओके देन हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान राजस्थान ये क्या है वायवंट है ओके प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड द अकेसिया मीन्स बबुल ट्रीज आर टू बी फाउंड वहाँ क्या ये जो कैक्टस और बबुल ट्रीज वहाँ मिलते हैं कहाँ राजस्थान में राजस्थान कैसा है डेजर्ट है
ओके द कैमल अ डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन द कश्मीर. द कैमल मैंने कहा था ना आपको, कैमल मीन्स ऊंट, वो डेजर्ट एनिमल है, वायुमंडल में रहता है, तो इसीलिए उसे डेजर्ट एनिमल कहा जाता है. वो जो है वो कश्मीर में कभी नहीं मिलता. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस, क्योंकि वो जो है वो डेजर्ट एनिमल है, वो हमेशा डेजर्ट में ही रहता है जहाँ की पानी नहीं रहता, उस जगह उसके लिए सूटेबल है, जो क्लाइमेट है वो उसके लिए सूटेबल है. कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ रहता है, कि उस प्रदेश में वो नहीं रह सकता. ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड राजस्थान. इसलिए दोनों की जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग है. कौन कौन से अलग अलग है, वहाँ के प्लांट्स अलग है, वहाँ के जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं वो भी अलग अलग है. ओके थोड़े फार अलग है. ओके सो नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन. क्या है अनुकूलन? ओके सो सी हियर, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट. ओके ग्रेजुअल मीन्स कुछ चेंजेस अवर इन द हमारे जो बॉडी में वो चेंजेस, एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड जो बिहेवियर यानी कि वर्तन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव है ना उसका बिहेवियर, विच हेल्प देम द एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग. वो क्या करता है, एडजस्ट करता है हमारे सराउंडिंग पे. सच चेंजेस आर कॉल्ड एज अडेप्टेशन. अनुकूलन, यहाँ देखो कश्मीर में भी लोग रहते हैं, राजस्थान में भी लोग रहते हैं, पर क्या उनके लिए वो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, डाइवर्सिटी है, उससे मैच कर देते हैं. ओके इसलिए उन्होंने क्या कहा है, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी, कुछ ऐसे चेंजेस है एंड पार्ट ऑल्सो द बिहेवियर, हमारा जो वर्तन है ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, विच हेल्प टू क्या करता है, एडजस्ट करता है हमारे सराउंडिंग से. सच चेंजेस, ये जो चेंजेस है उसे क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन. इसे क्या कहा जाता है बच्चों, एडेप्टेशन. दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दे टेक प्लेस ओवर अ, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. ओके सो एडेप्टेशन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसके लिए जो अनुकूलन है, अनुकूलन ऑफ प्लांट्स देखते हैं. ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट. यह हमें चार्ट दिया है उसे देखना है और कंप्लीट करना है. इंक्लूड अदर प्लांट्स फ्रॉम योर ओन रीजन टू. ओके आपके जो हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं उसके नाम यहाँ हमें बताने हैं. ओके तो प्लांट के ये देखो, ये जो है ये कॉलम है और ये रोज है, रो कहा जाता है. तो प्लांट्स कौन से दिए हमें, लोटस, कैक्टस एंड बनियन ट्रीज. ओके ओके देन हैबिटेट. हैबिटेट यहाँ जो लोटस है वो कैसा है, एक्वाटिक, पानी में आता है ना. ओके देन अभी हमें ये देखना है कैक्टस. कैक्टस ये कौन से भाग में आता है ये हमें बताना है. कैक्टस कौन से भाग में आता है बच्चों, आपको पता है, आप इसे सर्च करेंगे राइट ना. ओके तो मैं पहले लोटस का डिस्कस करती हूँ. ये पानी में रहता है, इसके इसके लिए इसकी हैबिटेट क्या हुई, एक्वेटिक. टाइप ऑफ द रूट, फाइबरस, इसके जो रूट्स है वो फाइबरस रहते. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स, लार्ज एंड राउंड विद द वैक्सी लेयर. ये लार्ज रहते हैं एंड राउंड विद द वैक्सी लेयर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेम, हॉलो एंड फ्लेक्सिबल. हॉलो एंड फ्लेक्सिबल. ओके ये हो गया आपका प्लांट का, प्लांट लोटस का. ओके देन आप ऐसे ही
ये कैक्टस और बनियन का सर्च कीजिएगा और ये कंप्लीट करिएगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। नाउ सी अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में रहते हैं उनका अनुकूलन देखेंगे। ओके, एक्वेटिक मीन पानी में जो प्लांट्स हैं उनका अनुकूलन। तो हमें क्या कहा है, ट्राई दिस, विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर। ओके, हमें क्या करना है, भेंट देना है उस जगह पर जाके। ओके, वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, ब्रॉक, पाउंड, लेक इन योर सराउंडिंग। हमारे जो सराउंड में अगर हमने नदी देखी है, तालाब देखे हैं, हम क्या कहते हैं छोटे छोटे तले रहते हैं, वहाँ देख के हमें क्या करनी है, विजिट देनी है, दी होगी। ओके, व्हाट डिफरेंट डू यू सी ऑब्जर्व बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट। तो हमें क्या करना है, वहाँ व्हाट डिफरेंस, आपको क्या उसमें अलग लगा, उसका ऑब्जर्वेशन बिटवीन जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पर जो प्लांट्स रहते हैं, और जो एक्वेटिक मीन्स जो पानी में प्लांट्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करके हमें डिफरेंस बताना है। पानी में कैसे रहते हैं, पानी में जो प्लांट्स हैं उनमें क्या वैरायटी है, जो जमीन पर रहते हैं उनमें क्या वैरायटी है, यह हमें देखना है। देखो बच्चों, अक्सर क्या होता है, जो पानी में प्लांट्स हैं ना वो हमेशा बहुत छोटे होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहती एज कम्पेयर टू जो टेरेस्ट्रियल है, उनकी जो हाइट है वो एज कम्पेयर टू दिस एक्वेटिक प्लांट्स से बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग विथ यू पेज नंबर 2 एंड 3।